Hi guys, I'm Shivam, the owner and founder of Moxo and MBA Revision. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for JBIMS MHRD exam, which is on 14th of May. Because in this video, I'm going to discuss about the 8 days dedicated preparation strategy. Guys, काफी लोगों ने अभी recently decide किया कि इनको JBIMS MHRD exam देना है. Many students are thinking कि 8-10 दिन में कैसे preparation हो पाएगी. So guys, JBIMS MHRD का paper को preparation करना कोई बहुत tough नहीं है. बस ये main होना चाहिए कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो और आपको एक्चुअली 8 दिन में क्या पढ़ना है. काफी लोग मिसगाइड हो जाते हैं, काफी लोग समझ नहीं आता, गलत चीजें पढ़ते हैं. तो मैं इस वीडियो में जो आपको जो बताऊंगा, अगर आपने वो टॉपिक्स कर लिए 8 दिन में तो आराम से आपको कॉल आ जाएगी, क्योंकि इस बार स्पीड भी बढ़ गई है. मतलब नंबर ऑफ कॉल्स दैट दे आर गोइंग टू गिव इज 300. लास्ट ईयर 200 थी, इस बार 300 हो गई है. वैसे भी बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है. GDPI निकालना थोड़ा टफ काम है, उसके लिए आपको ढंग से करना पड़ेगा, बट कॉल आना उतना टफ नहीं है. कॉल आ जाती है लोग, बिकॉज बच्चे कम बैठते हैं इसमें. ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो पर आ जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीटे स्ट्रेटजी बेस्ड वीडियो, बीटे कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीटे नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस देख लेते हैं. सो गाइस मैं आपको सारे सेक्शंस का बताऊंगा. ठीक है, क्वांट आपको पता है कि क्वांट्स जीके, ठीक है, क्वांट्स जीके और एचआर के 3 सेक्शंस होते हैं. मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, एक जीके हो गया और एचआर के 3 सेक्शंस होते हैं. तो पहली बात गाइस ये है कि आपको किसमें फोकस करना है. आपको सबसे ज्यादा फोकस क्वांट्स में करना है. ठीक है, अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन है, उसमें आपका क्वांट्स मेन फोकस, थोड़ा बहुत लॉजिकल रीजनिंग बेसिक्स, और फिर आपको जीके मेन फोकस करना है. ये आपके दोनों चीजें स्कोर बूस्टर है. एंड देन आपको एचआर में जो है, एचआर में आपको डिसीजन मेकिंग में मेन फोकस करना है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के में आता है कि एचआर में क्या पढ़े इस टाइम पे. तो गाइस एचआर का मैं बता दूं आपको, जो एचआर के 3 सेक्शंस हैं जो 60 मार्क्स के आएंगे, उसमें बेसिकली मेजर फोकस आपका डिसीजन मेकिंग में होता है और आपके साइकोमेट्रिक में होते हैं. और ये दोनों चीजें ही के लिए आपको डोंट रिक्वायर प्री रिक्विजिट नॉलेज. आपको पहले से कुछ पढ़ा हुआ ऐसा जरूरी नहीं, आप कब भी कर लोगे. इस वजह से आप एचआर को लेकर पैनिक मत करो गाइस. ठीक है, एचआर के बेसिक मॉडल्स भी आपको आने चाहिए, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसीजन मेकिंग और साइकोमेट्रिक की आइडिया होना चाहिए. तो पढ़ने लायक क्या है, डिसीजन मेकिंग बस. ठीक है, तो आपको मेजर फोकस पहली बात यह ध्यान रखना है कि क्वांट्स आपका मेन फोकस होना चाहिए, जीके मेन फोकस होना चाहिए. यही दोनों चीजें आपका डिसीजन मेकर होंगे कि आपको कॉल आएगा या रैंक आएगा क्या है. एलआर है, बेसिक बेसिक होगा, मैं बताऊंगा सबका सिलेबस, वो रहेगा थोड़ा सा. कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं क्वांट सेक्शन में एलआर के, और एचआर सेक्शन में आपको मेन फोकस डिसीजन मेकिंग में ही करना है. ठीक है, अब आते हैं टॉपिक बाई टॉपिक. क्वांट से क्या पढ़ना है आपको, क्वांट से देखो लास्ट टू लास्ट ईयर अर्थमेटिक प्लस ज्योमेट्री आई थी, लास्ट ईयर अर्थमेटिक प्लस अल्जेब्रा आई थी, लेवल अच्छा आया था लास्ट ईयर. अर्थमेटिक आपको ढंग से करना ही है. ठीक है, तो अर्थमेटिक में बेसिकली आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशन प्रोपोर्शन, टाइम इन वर्क, टीएसडी, एलिगेशन मिक्सचर, एवरेजेस, एसआईसीआई, पार्टनरशिप्स, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स को ढंग से करके जाओ. ढंग से करने का मतलब है कि आपने, मुझे लगता है कि जो भी जेबीआईएमएस एमएचआरडी दे रहा है, हार्डली ऐसा कोई होगा जिसने कोई भी एग्जाम नहीं दिया पहले, सिर्फ जेबीआईएमएस दे रहा है. ठीक है, तो सबको थोड़ा बेसिक आइडिया हो गई. तो आप लोग रिवाइज करो, एक वैरायटी करो. फॉर्मूलाज ठीक है, बट पेपर अच्छा लेवल का आएगा तो खाली फॉर्मूले से चीजें नहीं होंगी, आपको वैरायटी आनी चाहिए. और ये बात पक्की है, कैट लेवल नहीं आएगा, आएगा एनमैट स्नैप लेवल ही. ठीक है, तो आप कर लोगे आराम से. तो अर्थमेटिक को मेन फोकस रखो, बिकॉज मोर देन 50% ऑफ योर पेपर इज अर्थमेटिक. ठीक है, अब अर्थमेटिक लेवल कैसे, आप कोई भी टॉपिक पूरी तरह छोड़ नहीं सकते हो. जैसे मैं आपको बता दूं मेन मेन टॉपिक्स आपको बाकी सेक्शन में कैसे करने, बाकी टॉपिक्स सब टॉपिक्स में कैसे करने. जैसे अल्जेब्रा हो गया, अल्जेब्रा में एपीजीपी करो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये दोनों अच्छे से करो आप. ठीक है, फिर आप लॉग अच्छे से करो, लॉग का क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, अल्जेब्रा में अभी आप ये 3 चीजें करो, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं. अब इसका ये नहीं है बाकी चीजें नहीं पढ़नी है, पढ़नी थी, बट टाइम का मैं 8 दिन तो आप ये करोगे, क्योंकि 8 दिन सब कुछ नहीं कर पाओगे. एपीजीपी, क्वाड्रेटिक एंड लॉगरिथम्स आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में करना है. ठीक है, ज्योमेट्री में गए आपको ट्रायंगल्स एंड सर्कल के सारे फॉर्मूले एंड सारी थ्योरम्स करनी ढंग से. ठीक है, वो फायदा कर जाता है. जैसे कॉल्ड इंटरसेक्शन, कॉल्ड प्रॉपर्टी वगैरह हो गया, जितना भी होता है आपका ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अपोलनेस थ्योरम, ये सब तो कर लो, अच्छा रहेगा. इन रेडियस, सर्कम रेडियस वगैरह कर लो. क्वाड्रिलेटरल से फॉर्मूले एंड प्रॉपर्टीज देख लो, ट्रेपेजियम वगैरह का, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तुम्हारा ये रोम्बस वगैरह जो भी सबका. ठीक है, टेंजेंट, सीकेंट थ्योरम वगैरह सब. मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूलेस पढ़ लो अच्छे से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब फॉर्मूलेस अच्छे से पढ़ लो. ये फॉर्मूलेस पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूँ, अगर मान लो पेपर को टफ बनाया उन्होंने तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 क्वेश्चन दे सकते हैं. और आप पेपर क्वेश्चन टफ नहीं आएंगे, बट आपको पढ़ा ही नहीं होगा. जैसे सेक्शन फॉर्मूला होता है, ये सब जो होता है आपको आना चाहिए. तभी मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ना सब है, बट बेसिक पढ़ के जाना. ठीक है, ज्योमेट्री आपका ये हो गया. नंबर्स में गाइस डिविजिबिलिटी रूल्स, एलसीएम, एचसीएफ, मॉडल्स, रिमाइंडर्स, फैक्टोरियल्स, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट वगैरह पढ़ लो. ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि ईजी चीज आ जाए आप करना पाओ. तो नंबर से आपको ये करना है. ठीक है, मॉडर्न मैथ्स में आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स तो कर ही लो, जितना भी कर सकते हो पीएनसी के जो बेसिक बेसिक चीजें होती है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का आपका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम वगैरह जितना भी होता है,
बॉल वाले क्वेश्चंस वो सब कर लो, सेट थ्योरी में थोड़ा बेसिक कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ेगा टाइम मेरे दे बार देख लो तो अच्छा रहेगा। जिन लोगों ने हमको कोर्स दिया उनको सब मिल रहा होगा यहाँ पे, डाला मैंने वीडियोस वगैरह, ठीक है। फंक्शंस में आपको इनवर्स फंक्शन, वन वन फंक्शन ये सब कर लो, और आपका इसके अलावा ये इवन और फंक्शंस कर लो, आ जाते हैं क्वेश्चंस तक, ठीक है। तो मॉडल में ऐसे मेनली पीएनसी प्रोबेबिलिटी करो, अगर टाइम मिलता तो ये कर लें, ठीक है। क्योंकि हम लोग को बहुत स्पेसिफिक रहना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ 8 दिन का है इसलिए, ठीक है। अब आता है गाइस एलआर। एलआर देखो लास्ट टू लास्ट ईयर एलआर के 2-3 क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी से आ गए जो सीईटी में आती है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है एलआर आ सकता है। एलआर में बहुत हाईलाइटेड टॉपिक जो होते हैं, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस एंड कोडिंग डिकोडिंग कोडेड, ये 5-6 टॉपिक कर लो। एंड काफी लोगों को तो आता ही होगा जिन्होंने एडमिशन दिए तो ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये बार ब्रश अप कर लो, ठीक है। तो गाइस मेन हमारा ये न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया। अब मेरा मेन जीके पार्ट है। जीके में गाइस आपको क्या करना है, सितंबर से अप्रैल तक के करंट अफेयर्स कर लो अच्छे से, जितने अच्छे से कर पाओ अच्छा रहेगा, प्लीज सितंबर से अप्रैल तक के, वो आपका काम आ सकते हैं काफी, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया है 500 करंट अफेयर्स का यूट्यूब पे, वो जनवरी से लेकर, जनवरी 2021 से लेकर अभी तक का है, बट हम बता रहे हैं आपको सितंबर से अप्रैल तक करना है। तो हम लोग का जो जीके का कोर्स पोर्टल है वहाँ पे 700 की PDF पड़ी है, ठीक है। जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको दिख जाएगा वहाँ पे 700 वन लाइनर्स करंट अफेयर्स, उसको 2 बार रीड कर लो अच्छे से, ठीक है। स्टैटिक जीके में गाइस क्या क्या करना है आपको, रैंकिंग्स 2022 की, अभी हमने रैंकिंग्स की पीडीएफ अपडेट अपडेट करी है, तो रैंकिंग्स का अच्छे से कर लो सारा, जितने भी फोर्ब्स रैंकिंग होती है और जितनी भी रैंकिंग सब कर लो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स कर लो, बुक्स एंड ऑथर्स, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स एंड सीईओज, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ब्रांड्स एंड पेरेंट कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेटॉल किसका ब्रांड है, रेके बैंकाइजर का, नेशनल पार्क्स डैम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर लो, बैंक्स हेडक्वार्टर्स, पॉलिटी का बेसिक्स कर लो कुछ, ड्राफ्टिंग कमेटी वगैरह वो सब, यूनियन बजट का थोड़ा बेसिक हाईलाइट देख लो, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लो। इतने टॉपिक्स भी अगर जीके में आपने कर ली तो आपके क्वेश्चन बन जाने चाहिए मेरे ख्याल से, बिकॉज 2 साल से जीके बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रही है, रेलिवेंट जीके आ रही है, नंबर नंबर लोगों के आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया पॉइंट्स और जीके सेक्शन हो गया मेरा। अब मैंने आपको बोल रखा कि बाकी 3 सेक्शन जो है उसमें आपको मेनली गाइस डिसीजन मेकिंग में फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग एंड साइकोमेट्रिक का मेजर पार्ट रहता है। कुछ क्वेश्चन आपके मॉडल्स वगैरह से आ सकते हैं एचआरएम के, अगर आपके पास टाइम हो तो एचआरएम के मॉडल्स वगैरह देख लो, जैसे ग्रुप डायनेमिक्स की स्टेजेस होती है, नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, ये सब कर लो। तो ये बहुत ही एंड की चीज है, स्टार्टिंग में आपको फोकस करना है पॉइंट्स एंड जीके एंड डिसीजन मेकिंग, ये 3 चीजें अगर आपने 8 दिन कर ली तो आपको कॉल तो आराम से आ जाए, ठीक है। अब रैंक आएगी वो डिपेंड करता है आपने कितना पढ़ा है, कब से तैयारी कर रहे हो, कितना आपको बेसिक्स क्लियर है, अब सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे तो नहीं चीज पड़ गया। अभी भी कोई स्ट्रक्चर में करना चाहता है, बिकॉज मैं बोल रहा हूँ कि कॉल आना बड़ी बात नहीं, कॉल तो आ जाएगी, कॉल के बाद मेन काम होता है, क्योंकि 300 बच्चों में 30 बच्चों को लेना, तो GDPI एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। खाली कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होने से नहीं होगा, आपकी SOP कितनी मैच्योर है, कितना अच्छे से आपने आंसर्स फ्रेम करें इंटरव्यू के, वो मैटर करता है काफी, GD में आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। तो हम लोग का डेडिकेटेड GDPI कोर्स में भी इंक्लूडेड है, बेसिकली जो लोग अभी भी देखना चाहते हैं, हम लोग का JBI का कोर्स का प्राइस अब 1799 हो गया, इसमें आपको पूरा कोर्स मिलता है, रिटन टेस्ट में जितना बताया आपको ये सब मिलेगा, ठीक है तो उससे ज्यादा ही बड़ा कर नहीं पाओगे ज्यादा, तो आप ये कर रहे हैं जितना हमने बोला है, ठीक है। प्लस आपको प्रैक्टिस सेशंस जो है, जो टेलीग्राम में प्रैक्टिस सेशंस हुए हैं HR के और GK के, मैं फिर से एक बार सब भेजूंगा, और WhatsApp पे जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसके भी क्वेश्चंस भेज दूंगा, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी WhatsApp पे पड़ेगी, बिकॉज पॉइंट्स आप कर ही लोगे। थ्योरी एंड नोट्स प्रैक्टिस छोड़ो, आप GK कोर्स आपको पूरा मिलेगा वहाँ पे, सब GK के टॉपिक्स मैंने बोले हैं सब आपको मिलेंगे, PDF वगैरह 700 वाली सब, उसको आप पढ़ लो रट लो अच्छे से। ग्रुप डायनेमिक्स के जो आपका HR सेक्शन है उसमें आपको डिसीजन मेकिंग की 50 पेज की एक PDF मिलेगी, जो आपका काफी काम करेगा। गाइस टाइम पे वॉल्यूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलिवेंसी, क्योंकि टाइम कम मिलने को तो बहुत कुछ मिल रहा है पर आप कर नहीं पाओगे 8 दिन, तो जो जो मैंने बोला है सब कुछ आपको इस कोर्स में मिल रहा है, ठीक है। और आपको 5 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे देखने के लिए आपका कैसे स्कोर जा रहा है। हम लोग स्कोर, हम लोग के मॉक्स में जिसने 65+ लाया उसका लास्ट ईयर 76+ था, 6th रैंक थी ऑल इंडिया, ठीक है। और GDPI एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, उसको हम ढंग से करते हैं, सबकी SOPs पहले से ले ली जाएंगी, जैसे आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपको SOP और आंसर्स बनाने, फिर आपका रिव्यू किए जाएंगे एक एक करके, फिर उनका इंटरव्यू होगा, पूरा SOP रिव्यू, पूरा GDPI सब कुछ इंक्लूडेड है, क्योंकि मेन वही है कन्वर्ट कराना, तो ये सब कुछ कोर्स में इंक्लूडेड है, और इसकी प्राइस बहुत ही कम कर, दैट इज 1799, ठीक है। तो अच्छे से अगर करना है तो कर सकते हो, 8 दिन में भी चांसेस काफी है, क्योंकि उतना टफ पेपर नहीं आता है, ठीक है। इसलिए चलो गाइस, ये लास्ट ईयर के कन्वर्ट से 55 लोगों को कॉल आई थी, 5 बच्चों ने फाइनल कन्वर्ट किया था, 20 में से 5। दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग क्लोज टू, हम लोग टारगेट है कम से कम 10 से ज्यादा बच्चे अपने कन्वर्ट करें, बिकॉज अभी तक 150+ बच्चे एनरोल कर चुके हैं हम लोग कोर्स, और इस बार सीट्स बढ़ गई, 30 सीटें हो गई 20 सीटें, ठीक है। लास्ट टू लास्ट ईयर 4 स्टूडेंट्स कन्वर्टेड थे और अराउंड 45 लोगों को कॉल था, ठीक है। कॉल भी काफी लोग कर रहा है, 60-70 बच्चों में 55 को कॉल रहा है लास्ट ईयर, ठीक है। बाकी गाइस फॉर एनी क्वेरीज यू कैन व्हाट्सएप या दिस नंबर, अगर आप कोर्स चाहिए तो mockzone.in/JBI में समझा सकते हो,
यहाँ पे आपको कोर्स दिखेगा, उसमें बैनर में शायद 2299 लिखा है रेट, आप क्लिक करोगे तो 1799 हो जाएगा, ठीक है? तो परेशान मत होना, एनरोल करके स्क्रीनशॉट भेजो ऊपर नंबर पे, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। चलो गाइस बाय, दिस वाज ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।